आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो पूरे मैथमेटिक्स के होल सब माने सिलेबस पर कैसे पकड़ बनाया जाए उसके बारे में आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। हम लोग एक एक चीज को और फिजिक्स में भी वैसे ही करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपको बहुत अच्छा नहीं बहुत बेहतर तरीके से समझना है। आज आपको हम बता रहे हैं और आप उसको देखिए, और केवल आप उसको देखिए, पहले कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग लिखना पढ़ना एकदम बंद कर दीजिए, केवल देखना शुरू, और आंसर आप लोगों से खुद उगलवा लें, आप लोग खुद बता दीजिएगा बिना कलम छुए, ऐसा टेक्निक आपको आज हम बताएंगे। तो कैसे क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 2009 से 2019 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है पूरे होल सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिजिक्स में भी वैसे ही करेंगे, ताकि अब हमारे पास जो है सिलेबस को लगभग इतना हम कवर कर चुके हैं जितना आपको एग्जामिनेशन में आएगा। मैं अभी बात खोलूंगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तो हमारे ऊपर भी गाज गिरने का चांस है, लेकिन आपको हम इतना जरूर बता देंगे कि जो आपको हम पढ़ा रहे हो अगर उतना आप कर लिए तो निश्चित तौर पे आपका 90 प्लस मार्क्स आएगा, 80-60-70 की बात नहीं, 90% प्लस मार्क्स आएगा, जितना हम बता रहे हैं उतना केवल कवर। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं 2009 से इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि इफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4, फाइंड करने के लिए कहेगा, फाइंड करने के लिए एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूं, यहां ये क्वेश्चन रहेगा एकदम फिक्स हो गया, ये क्वेश्चन मतलब यहां का डिजिट चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन यही बोर्ड में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको दिमाग में फिट करके और एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए और ये एक नंबर आप बना के चल रहे, कन्फर्म यही क्वेश्चन ही रहेगा, या तो एफ इनवर्स पूछेगा या एफ इनवर्स एक्स पूछेगा, यही पूछता है पूछेगा, एकदम फिक्स है, पहला क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ये जो कथा लिखा हुआ है ना इस कथा से आपको कोई मतलब नहीं है, इनवर्स एफ के पावर -1 लिखने का मतलब होता है उसका इनवर्स करना। तो बताओ भाई इनवर्स किसको कहते हैं, इनवर्स किसको कहते हैं, जब फंक्शन को चेंज करते हैं उलट देते हैं, फंक्शन को उलट देते हैं चेंज करते हैं। तो बाबू अभी यह फंक्शन का रूपरेखा किस में है, एक्स में है कि नहीं, है ना एक्स में, तो इसको आप बदल किस में सकते हैं, वाई में। पूछिएगा सर कैसे, तो बेटा एफ एक्स जो होता है ना किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, एफ एक्स किसके बराबर होता है, तो आप कुछ नहीं लिखिएगा ऐसे लिख दीजिएगा सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 हेंस एफ एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिएगा वाई 5x + इतना आसान है आप सोच के दंग रह जाइएगा। अब ये प्लस में है तो जरा के क्या हो जाएगा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 5x, तो बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 4y। कोई डाउट, इतना करने नहीं आएगा, कौन बच्चा है जितना करने नहीं आएगा, बच्चा वाला बात है कि नहीं। अब बताइए ये जो y में चेंज हुआ ना यही x जो है सो क्या बनेगा f इनवर्स, इसी x को क्या पढ़ेंगे f इनवर्स इज इक्वल टू y माइनस 4y/5, स्पष्ट है, ये तो निकल गया। अब हमको निकलना एंड एफ इनवर्स एक्स, यानी बाबू
एफ इनवर्स एक्स कह रहा है, मतलब जहां जहां वाई है तहां तहां एक्स पुट कर दीजिए, तो एक्स माइनस फोर बाई फाइव, और एक आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर ये हो जाएगा। आई बात समझ? ये क्वेश्चन अगर चार नंबर में पूछेगा तो इतना एक्सप्लेन कीजिए, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ भी सकता है और चार नंबर में पूछ सकता है, याद रखिएगा इस बार सिलेबस का इतना उथल पुथल होगा आप समझ नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चार नंबर में पेश देगा, इसको बना लीजिए, और आपको कंसेप्ट पता है तब तो रगड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर आप वहां से रगड़ा के आइएगा, कोई उपाय तो है नहीं। चलिए अब मैं इसी को थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन के आधार पर लिखता हूँ। इफ बोलो बेटा एफ एक्स इजकल टू थ्री एक्स प्लस फाइव होता है, फाइंड करने के लिए कहता है एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स एक्स, तो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करना होगा? बस अब इसको ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, कैसे? टेक्निकली तुरंत, तो कुछ मत कीजिए, वाई माइनस फाइव बाई थ्री इजकल टू एक। कैसे बना दिया स्टॉट में तुरंत? इसको क्या मिलेगा? एक्स को ये इनवर्स करते हैं, हो गया। एंड एफ इनवर्स एक्स पूछे तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस फाइव बाई थ्री, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव कहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुरंत बना लीजिए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है? एक चीज पर तो हमने सीख लिया। अब मान लीजिए कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, फाइंड करने के लिए कहा एफ इनवर्स एक्स, या एफ इनवर्स पहले एंड एफ इनवर्स एक्स, बोलो बेटा ऐसा क्वेश्चन हुआ। अब तो यहां फंसोगे, क्योंकि आप इसको इधर ले आओगे ना, छे को तभी एक्स बच जाएगा, इसमें से लफड़ा हुआ, करूं क्या करूं नहीं करूं, इसको फोर एक्स कर दीजिए, ठीक है? क्या करे नहीं करे, दिमाग तो खटकने लगा होगा, खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है? तो इस केस में यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाइएगा, ठीक? यहाँ पे एपेक्स को क्या लिखना है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स को ये दोनों मिला के क्या बनाना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड इंटीग्रेशन बताए हैं, दो गो के मिला के होल स्क्वायर बनाना है। तुम खड़ा हो जी बच्चा, विशाल दो गो के मिला के होल स्क्वायर कैसे बनाओगे? नहीं तो आपको पता है, गुड, ऐसे होना ही चाहिए, इतना बड़ा बड़ा काम करिएगा कम बात है? अरे सर इस दोनों को मिला के यहाँ पर तो क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख दीजिए एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर खोजा लिए प्लस टू ए बी, इसी को ए बोले जाए, तो यहाँ लिखिए, और बी के जगह पर कितना रखिए, चार हो जाएगा, कितना से गुना कीजिएगा टू में कि चार पुर जाए, टू से, तो टू से गुना कर, टू ए बी हो गया, ये है ना बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस कितना का स्क्वायर करना होगा, ये अपना मन से नहीं जोड़े हैं, जो अपना मन से जोड़े वही अपना मन से घटा देंगे, और जो छ है छ लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस सिक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, बोले बेटा माइनस चार यहाँ छ है, तो दो बचेगा, प्लस में बचेगा माइनस में, माइनस में बचेगा, प्लस में बचेगा, पक्का प्लस में बचेगा कि माइनस में बचेगा, प्लस में, अच्छी बात है। तो ये वाला प्लस जो दो बचेगा वो कितने जाना चाहिए, कितने आना चाहिए, तो माइनस टू कर दीजिए। आई बात समझ में? अब बताइए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, यहाँ से x प्लस टू बराबर क्या लिखोगे, बोलो बेटा रूट अंडर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? yes, y माइनस टू लिखेंगे तो दिक्कत है। अब हमको किसका मान निकालना है, x x का मान निकालिए, तो x इक्वल टू कितना लिखिएगा, रूट अंडर y माइनस टू माइनस टू, नहीं समझेगा लिख दो, कैसे आप लोग के दिन दुनिया कटेगा, तनको जगह कमा तो गड़बड़ा जाए। अरे सर इसको आप नहीं लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे कि रूट अंडर
y माइनस टू आई प्लस में है तो इनमें आके वार माइनस टू इज इक्वल टू कितना इज इक्वल टू स्पष्ट है x को ही ना बोलते हैं एफ इनवर्स तो क्या लिखेंगे हेंस f इनवर्स इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस टू माइनस टू तो f इनवर्स x इज इक्वल टू बोलो बेटा x माइनस टू माइनस टू आंसर आई बात समझ में और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा चार अगर इस स्टाइल में दे दिया तो चार नंबर के लाइक हो गया अगर ऐसा पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव दोनों आप सीख गए अब एफ इनवर्स निकालने आ गया कि नहीं आएगा बस इसी दो फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन में तो एफ इनवर्स निकालने सीख गए यानी आज आपका एक चीज खत्म हो गया क्या इनवर्स इसी को बोलते इनवर्स फंक्शन आया बात समझ में कि नहीं आया कंप्लीट हो गया देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम क्या किए कि आपको एक माने इनवर्स फंक्शन ही पढ़ा दिया स्पष्ट है तो ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव नहीं आज इसको टॉपिक बना बना के पढ़ा दिया चलिए जिनको नोट करना है कर लीजिए जल्दी जल्दी है ना देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इनवर्स वाली बात तो क्लियर हो गया सेकेंड क्वेश्चन है फिर से इनवर्स का है लेकिन अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित से बना देंगे ये क्वेश्चन हो गया आपका बाबू टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू इजिकल टू व्हाट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देता है उसको भी समझिए दे देगा तो ऐसा नहीं गलती से भी मत कीजिएगा कि इसको टैन में बदल के टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लगेगा समझ गए तो वहां आपको बन जाएगा उससे भी लेकिन समय आपका बहुत लगेगा समय आपका तो हमको हमारे ऑब्जेक्टिव बनाने में तो समय बहुत कम है ना 30 सेकंड में बना देना है भाई तो इसको आप समझ लीजिए कि है क्या ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है प्रिंसिपल वैल्यू तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दीजिए काम हो गया खत्म तो टेन इनवर्स रूट थ्री किसका मान होता है टेन में कितना डिग्री के 60 डिग्री के तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू पाई बाई स्पष्ट है माइनस अभी बोलो बेटा सेक इनवर्स माइनस टू सेक में कॉस में और कॉट में क्या सीखा पाई माइनस जो एंगल रहेगा उस एंगल को घटा दो बताए थे याद है विशाखा ना बहुत आप लोग पढ़िए हमने बोला था इसको रटो कैसे हूँ रट जाइए जैसे भी रटना हो कि जहां कॉस सॉरी सॉरी हाँ कॉस और कॉट और सेक ये तीन के लिए जो एंगल माइनस में रहेगा किस में रहेगा माइनस में उसको क्या लिखना है कि आपका माइनस में कथी रहेगा एंगल तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखिएगा पाई माइनस एंगल आया बात समझ में पाई माइनस एंगल तो ये कथी में माइनस में है कि नहीं है माइनस में है कि नहीं है है जब ये माइनस में है तो पाई माइनस क्या करेंगे एंगल करेंगे तो पाई माइनस एंगल करेंगे तो पाई लिख दीजिए और माइनस टू कितना डिग्री का वैल्यू होता है पाई बाय थ्री पॉजिटिव कर करेंगे पाई बाय थ्री होता है माइनस को हटा दीजिए यह माइनस के चलते पाई लगाए माइनस के चलते पाई लगाए तो पाई माइनस पाई बटा थ्री कर लीजिएगा अब इसको सारी सॉल्व कर दीजिए तो पाई बटा थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाय बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसका एलसीएम लेने आता है ना तो थ्री कर देंगे पाई माइनस थ्री पाई प्लस पाई कितना सुंदर हो गया टू पाई में से थ्री पाई जाएगा तो माइनस पाई बचेगा और थ्री लिखा जाएगा क्या कोई दम है अब देखिए अच्छी क्वेश्चन हम आपको देते हैं अब यहाँ पर लिख दिया हम टेन इनवर्स समझिए बात प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू ठीक है प्लस सेक इनवर्स रूट थ्री बाई टू समझ रहे बात को प्लस
sec इनवर्स माइनस टू, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे जल्दी बताइए, tan इनवर्स कितना है बेटा यहाँ पर, वन, ये तो प्लस में है तो वन कितना डिग्री का होता है, पाई बाई फोर का लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस वाला के लिए कितना से लिखा है, पाई माइनस एंगल है ना भाई, तो माइनस में कौन है, कॉस है, तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा, पाई माइनस पाई बटे थ्री, तो कवेट्री का भी होता है ये, प्लस सेक इनवर्स रूट थ्री बाई टू, प्लस में है, प्लस में कुछ करने के लिए बोले हैं क्या, रूट थ्री बाई टू कितना कितना होता है, 30 डिग्री क्या पक्का ना, sec इनवर्स रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है, सोच लो भाई, उनको याद नहीं है, है वही होता है, sec इनवर्स रूट थ्री बाई टू, sec इनवर्स रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है, टू बाई रूट थ्री, सॉरी गलती, टू बाई रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर हम ऐसे थ्री बाई रूट थ्री बाई टू लिखते तो रूट थ्री बाई टू लिखते तब क्या होता है, रूट थ्री बाई टू लिखते तो वह वैसे ही रह जाता, वह ऐसे ही रह जाता, ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख देंगे पाई बाई सिक्स, और इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई थ्री, समझ गए, सब लिखा गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है कहीं भी, कोई नहीं कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दीजिए, क्या लिख दीजिएगा बोलिए, पाई बाय फोर, थ्री पाई माइनस पाई कितना, टू पाई बाय थ्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, पाई बाय सिक्स प्लस यहाँ पे टू पाई बाय थ्री, सबका एलसीएम बोलिए कितना हो जाएगा, छे, अरे बारह हो गया यार, बारह चार तियाई बारह, तीन चौके बारह, छ दूनी बारह, चार तियाई बारह, यही ना, एलसीएम लिए हैं, जोड़ घटाव किए हमको थोड़ा काम किए हैं, जोड़ने आता है आठ दू दस आठ अठारह तीन लिख दीजिए, इक्कीस पाई बटा बारह, तीन से कट रहा है, तीन चौके तीन सते सेवन पाई बाई फोर, और ये आपका आंसर। तो माइनस वाला एंगल के लिए क्या ट्रिक है आपको भेजेगा, पाई माइनस तो एंगल किसका, मॉड का एंगल, एंगल लिखिएगा तो मॉड का एंगल लिखिएगा, क्योंकि निगेटिव उसको पॉजिटिव बना के लिखिएगा, पॉजिटिव माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला के लिखिएगा, समझ में आया, हुआ स्पष्ट, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा, ये आप एकदम रट के चले जाओ कि प्रिंसिपल वैल्यू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो रहेगा वही आपको हम बता रहे हैं, आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में और इसको आप बना लीजिएगा, एकदम उठिएगा यही क्वेश्चन में रहेगा, खाली डिजिट चेंज रहेगा और क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो आज हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं, दो चीज पढ़ लीजिए, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का बात और दूसरा इनवर्स फंक्शन का बात, और आज जो टॉपिक है वो इनवर्स नहीं, आपका भी पढ़ेंगे बाइनरी, तो बाइनरी को बेटा डिनोट करते हैं हम स्टार्स, जहां ये चिन्ह मिल जाए, जहां भी ये चिन्ह मिल जाए आपको यही समझना है कि वो बाइनरी की बात कर रहा है, डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए इसका, ये चिन्ह, और इस चिन्ह का जो मीनिंग है, इसका चिन्ह का जो मीनिंग है वो चार है, प्लस भी है, माइनस भी है, इनटू भी है और डिवाइड, स्पष्ट है। अब देखो बेटा, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ए प्लस बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, किसको रिप्रेजेंट किया, प्लस, क्योंकि यहाँ बाइनरी शो कर रहा है प्लस को, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी किसको शो कर रहा है, माइनस, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए इंटू बी किसको शो कर रहा है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी किसको शो कर रहा है, डिवाइड। बाइनरी ऑपरेशन में ये बताया गया कि भाई आप सॉल्यूशन तो करोगे लेकिन बाइनरी ऑपरेशन को वेरीफाई वही करेगा जो कॉमेटेटिव लॉ
और एसोसिएटिव लॉ को पालन करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ किसको कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन आप राइट साइड करोगे वही बाइनरी ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड करोगे लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो आपका कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा। कॉम्यूटेटिव के लिए दो टर्म, एसोसिएटिव के लिए तीन टर्म। आप मुझे बताओ बेटा ए बाइनरी बी इजिकल टू अगर ए प्लस बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को पालन कर रहा है? जी सर, ए बाइनरी बी इजिकल टू लिख देंगे कि सिंस ए बाइनरी बी इजिकल टू ए प्लस बी दिया हुआ है तो बी बाइनरी ए इजिकल टू कितना होगा बेटा, बी प्लस ए हो जाएगा। और जब ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर हम शो कर रहे हैं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है? बराबर है, यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि ए बाइनरी बी जो है सो बी बाइनरी ए के बराबर है, इसीलिए कॉम्यूटेटिव लॉ है और ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ए बाइनरी बी इजिकल टू ए माइनस बी, क्लियर? तो क्या आप मुझे बताओ कि सिंस ए बाइनरी बी इजिकल टू ए माइनस बी हेंस बी बाइनरी ए इजिकल टू बी माइनस ए, क्या दोनों आपस में इक्वल है? ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर होता है? जरा सोचो भाई, अरे होता है क्या? नहीं होता है सर, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल देखोगे, अगर टू बाइनरी थ्री इजिकल टू हम टू माइनस थ्री लिख देंगे उसके आधार पे, तो इसका वैल्यू तो सर आपका माइनस वन हो जाएगा, लेकिन थ्री बाइनरी टू लिखेंगे तो थ्री माइनस टू होगा तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। माइनस वन वन कभी के बराबर नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पर ए बाइनरी बी जो है वो बी बाइनरी ए के बराबर नहीं होगा, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? अब तीसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, ए बाइनरी बी इजिकल टू मैंने लिख दिया ए इंटू बी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? जी सर है। जैसे मैं बी बाइनरी ए लिखूंगा, बी इंटू ए लिखना पड़ेगा, ए इंटू बी जो होता है बी इंटू ए के बराबर होता है, इसलिए बाइनरी बी जो है वो बी बाइनरी ए के बराबर होगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। तो मैंने देखा कि भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है से बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन क्या करता है? बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं करता है। ए बाइनरी बी इजिकल टू ए बाई बी हेंस बी बाइनरी ए इजिकल टू बी बाई ए हेंस ए बटा बी जो होगा वो बी बटा ए के बराबर नहीं होगा और इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कही है कि सारा बहुत चालू आदमी है, अगर ए और बी का मान बराबर कर दिया जाए तो ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर भी हो जाएगा और ए बटे बी इजिकल टू बी बटे ए भी बराबर हो जाएगा। तो बेटा बराबर का कंडीशन हम नहीं लेंगे, लेंगे जनरल कंडीशन जो सबके लिए वेरीफाई होगा, वही ना कंडीशन होता है, कि वो स्पेशल कंडीशन आपके लिए पैदा होगा ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन में जनरल कंडीशन में ए बटे बी बी बटे ए के बराबर नहीं होगा, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। तो आपने बाइनरी ऑपरेशन को समझ लिया। बाइनरी किसको कहते हैं? स्टार को कहते हैं। स्टार में कितने चिन्ह निहित है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ये सारे वैल्यू को वेरीफाई करने में दो लॉ काम करता है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करेगा वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। अब कहिए कि सर ये पर क्वेश्चन मार्क कैसा होगा, ये हम इतनी बता दीजिए। जी सर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका होगा इफ ए बाइनरी बी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस वन, ए बाइनरी बी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस वन, देन फाइंड टू बाइनरी थ्री। मतलब आपको बुझा गया होगा कि ए के जगह पर कितना रखना है, बी के जगह पर अरे सर ए के जगह पे टू बी के जगह पर थ्री, तो लिख देंगे टू बाइनरी थ्री
ए की जगह पर कितना टू, बी की जगह पर कितना थ्री, और ये वन टू वन है, जोड़ के देख लीजिए, तीन दो पांच और एक छह, और ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? उसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड करने के लिए आपको कहता है, सॉरी फाइंड करने के लिए कहता है टू बाई थ्री बाई फोर, बनेगा कि नहीं बनेगा? सर निश्चित बनेगा। कैसे बनेगा? देखो भाई, आपको सबसे पहले किसको निकालना होगा? किसको निकालना होगा? टू बाइनरी मतलब ए की जगह पर बी की जगह पर, सबको समझ में आया, साफ सुथरा आया? तो हमने लिखा टू बाइनरी थ्री बराबर टू का स्क्वायर प्लस, आया बात समझ में? टू का स्क्वायर कितना? थ्री का स्क्वायर कितना? नौ चार कितना? आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यानी इसका वैल्यू दोनों का कितना मिला? तेरह। मतलब इस दोनों की जगह पर कितना रखना होगा? समझ में आया? फिर किसका चिन्ह है? बाइनरी का। फिर कौन सा है? फिर बन गया ऐसा वाला टर्म, अब ये बन गया ए, ये बन गया बी। तो क्या लिखूंगा? तेरह का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, तेरह का स्क्वायर चार का स्क्वायर, जुड़ने आता है नौ छ पंद्रह, छ एक सात एक, पक्का ना? एक लिख दूं कि दो लिख दूं? एक लिख दूं कि दो लिख दूं? अरे एक लिखो यार, और 185 आंसर हो गया। आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या बोला कि अगर ये लॉ याद है तब भी बनेगा, नहीं याद है तो केवल ये वाली बात याद रख लेना है, आपको इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जामिनेशन में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, फिक्स है, जो कह दिए वही आएगा। आप क्वेश्चन बैंक उलट क्वेश्चन उलटिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो आपको ये तीसरा या चौथा नंबर में क्वेश्चन रहेगा, दूसरा या तीसरा में आपको इन्वर्स रहेगा, समझे? और चौथा या पांचवा में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन जो बताए हैं प्रिंसिपल वैल्यू का रहेगा। आया समझ में बात? तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बात समझ गए? कंसेप्ट आपको पूरा दे दिए। तो आज आपका तीन टॉपिक हम समाप्त कर दिए। कौन कौन सा? इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, इन्वर्स फंक्शन का, और बाइनरी ऑपरेशन का। बस इतना आपको करके जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करके जाना है। चलिए, तो आज ये वाली बात समझ गए, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए।